सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गोपियां कहती हैं, गोविंद जब तुम्हारा जन्म भी नहीं था इस ब्रज में, जब ये पूरा ब्रज इतना गरीब था, कंगाल था, कि एक टाइम की रोटी खाने के बाद दूसरे टाइम की रोटी नहीं थी किसी के पास में, जब हमारे बालक रात में रोते थे, भूखे कहते थे माँ हम भूखे हैं रोटी ला दो, तब बालक से कहती थी बेटा कल मजूरी करने जाएंगे हम, और जब मजूरी में हमको मिलेगा तब आटा खरीद के रोटी बनाएंगे हम, जो है बच्चों को दब दौड़ के सुला देती थी। परंतु कन्हैया जिस दिन से तुम्हारा जन्म हुआ है ब्रज में, बाद नाम से लक्ष्मी घर घर में देय के सहित नाच रही है, सबरे ब्रजवासी करोड़पति हो चुके हैं, आज किसी के पास धन की कमी नहीं है। महाराज तुम हमें छोड़ करके चले गए, हमने तो यूं सुना है कि आप पापों को खींच लेते हो, तो तुम पे हमारे प्राण नहीं खींचे, हमारे प्राणों को भी खींच के ले जाते, अगर तुम हमारे प्राणों को खींच के नहीं ले गए तो इतनी कृपा तो कर देते महाराज, कि कोई विद्वान पंडित या संत तो छोड़ जाते हमारे पास में जो तुम्हारी कथा सुनाता रहता। क्यों? जो वस्तु की दर्शन से प्राप्त होती है वही वस्तु आपकी कथा सुनने से प्राप्त हो जाती है। तब कथा प्रतम तप्त जीवनम सुनने से पाप नष्ट होते हैं करोड़ों जन्मों के, तो आपके दर्शन करने से भी पाप नष्ट होते हैं, आपकी कथा सुनने से शांति प्राप्त होती है, तो आपके दर्शन से भी शांति प्राप्त होती है। और महाराज आपकी कथा सुनने से सुख संपत्ति समृद्धि आती है, तो आपके दर्शन से भी वही चीज प्राप्त होती है। श्रवण मंगलम श्रीमदातम, आपकी कथा सुनने से मंगल ही मंगल होते हैं सुनने वाले के घर में, तो महाराज आपके दर्शन करने से भी मंगल ही मंगल होते हैं। बोलो अंतर कहाँ रहा? जो चीज आपके दर्शन से प्राप्त होती है वही आपकी कथा सुनने से प्राप्त होती है। तो आप जो है कोई कथा सुनाने वाला तो छोड़ जाते, ठीक है महाराज कोई छोड़ के नहीं गए, तो हम भी यमुना जी में कूद करके और डूब के अभी अपने प्राण त्यागे देते हैं। यो ही गोपियां छलान मारने तैयार हुई यमुना जी में डूब में, के तुरंत भगवान कन्हैया जी प्रकट हो गए। बोला सच्चिदानंद भगवान कन्हैया जी गोपियों से कहने लगे, हे गोपियों मैं तुम्हारे इस प्रेम, कन्हैया जी गोपियों को लेके आए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ललिता सखी बड़ी चतुर थी, कह दिया द्वार पर गेट पर खड़ी हो जाओ, स्त्रियों के अलावा कोई पुरुष इसमें प्रवेश नहीं कर जाए, सब देवियां पहुंच रही हैं, सब गोपियां पहुंच चुकी हैं, पार्वती जी कह रही हैं कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ थे महाराज, तुम जो वो वेदन में सुनावते ना कथा के द्वापर में कन्हैया जी ऐसा महाराज करेंगे, आज हेरोए वो महाराज 6 महीना की रात हो चुकी है और आज हमें देखने को मिलेगा। शंकर भगवान बोले तो हम भी चलेंगे,
पार्वती जी बोली नहीं महाराज। बोले क्यों? पुरुषों का वहां काम ही नहीं, वो तो स्त्रियों के लिए अला हुए महाराज, गोपियों के। शंकर भगवान बोले सखी पार्वती, जो जो तुमने प्रश्न करे, जो जो तुम्हारी समस्या थी, हमने सब जो है सुलभ कराई और कैसे करके जा हमारी इच्छा पूरी करा दे, हमें महाराज दिखवा दो। पार्वती जी बोली तो महाराज तुमको गोपी बनना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले पार्वती जे श्रृंगार करती रहोगी जब तक महाराज पूर्ण हो जाएगा। अरे चलो महाराज के चलो। और शंकर भगवान लंबी लंबी डग रखे। पार्वती जी बोली लौट जाओ महाराज। बोले क्यों? तुम्हारी चाल मर्दानी है और ललिता सखी कोक शास्त्र से एवे है, तुम्हारी चाल से ही पहचान लेगी कि ये पुरुष है। भोलेनाथ बोले तो देवी मर्द है तो मर्दानी चाल चलेंगे, अब जनानी कहाँ से लावे। पार्वती बोली मैं सिखाऊंगी महाराज, तुमने देखा जो गांव में नई बहू आती है और जो सखियों के साथ जाती है डोल डाल के लिए जंगल में, कैसे चलती है? भोलेनाथ बोली बताओ कैसे चलती है। तो पार्वती जी घूंघट मार के नई बहू की चाल चल रही है। अब धीरे धीरे चली महाराज की जगह है। अब देखो आगे आगे मैं चलूंगी और घूंघट मार के नई बहू की तरह मेरे पीछे पीछे चलना का, ठीक है? वो हाथ जोड़े की बात है महाराज। महाराज मैं यहाँ से नाक कट जाएगी, मैं देवियों में सखियों में बोलने लायक नहीं रहूंगी जीवन में। शंकर भगवान बोले कैसी बात कर रहे हैं, हम बड़े भूआ क्यों बनेंगे, हमें तो महाराज देखना, ठीक है? घूंघट मार के नई बहू की तरह चल रही हैं और आगे आगे पार्वती जी जा रही हैं। महाराज के द्वार पर मुख्य द्वार पर पहुंची। ललिता सखी कहने लगी वाह पार्वती जी बहुत अच्छे रहे तुम, आ गई या आ गई बहन? पीछे को नजर करी, ललिता सखी बोली हे भगवान जी ये टी लंबी बहू कौन की है, जे बहुए को उदम अमन तो ऐसी देखी ना आज तक, ये थी लंबी। पार्वती बोली बहन जाको वही ब्याह है के आए हुए, बजे वही सहेली बन गई है। बोली के बोगे ले चलो महाराज के, मैं बोले अच्छी बात है बहन, या के सहारे थे मेरी भी रास्ता कट जाएगी, चल दोनों आगे। ललिता सखी बोली बहुत अच्छा काम किया बहन जी तुमने, एक थे दो अच्छे होते हैं रास्ता में, चलो तुम ले आई। पर एक बात है बहन, एक दो महीना है गए, एक शादी को कार्ड रखो है मेरे यहाँ, तो मुझे ऐसा लगता है वो याई के ब्याह को कार्ड आ। पार्वती जी बड़ी जल्दी बोली बिल्कुल आए होगो बहन, याने को ना छोड़ो, या के ब्याह में कार्ड आए हैं, सब जगह कार्ड पहुंचे हैं। ललिता सखी बोली बहन मैं तो शादी में पहुंच नहीं पाई इसकी में, पर जित मने अच्छा काम करो के बहुए यही ले आई ला, मैं तो यही मौत खराब नहीं कर लू, मौत खराब नहीं को खड़ी भाई। जो पार्वती बोली ठहर ठहर बहन, जाने आज तक अपनो मोना दिखायो कहू, इतनी गुस्सा वारी है कि जबरदस्ती एक ने मोह देख लिया तो नाराज है के भाग गई, और अगर तेने मोह देख लिया और जे भाग गई तो न तो कोई महाराज देखन देगी न अब देखेगी। ललिता सखी बोली हे भगवान ऐसी गुस्सा वारी है? पार्वती बोली गुस्सा वारी पटना की मिर्च धरी लाल, हे जा पनवेसरी जा, ऐसी गुस्सा वारी को तो मैं जैसे भी नहीं देखती हूँ। गेट पास हो गए, बैठ गई आगे पार्वती पीछे भोले नाथ घूंघट मार के नई भूगल के बैठे हैं। मंच पे भगवान नाच रहे थे,
सब गोपियां खुश होकर के बोल रही थी जय हो, क्या कहने वाह प्रभु। और शंकर भगवान ने बोली थे सारो करो पार्वती को, पार्वती जी पीछे को मुड़कर जो पूछ रही है क्या बात है महाराज। शंकर भगवान बोले हम तो नहीं आते तो अच्छे रहते। बोले क्यों, तुमने इतनी मोटी साड़ी पहना दी है हम ना दिख रहे कुछ, दिख ही ना रहे हो तो नहीं आते तो अच्छे। कोई युक्ति निकालो तो देखे तुमने देखे भी मैं आनंद आ रहा हूँ, जय जय कार मच रही है, चुप बैठे। पार्वती जी बोली पीछे को मुंह करके वो सारे ये सारे में बता दो कहते न्यो देख रहे एक आंख थे यू भोले बाबा यो देख रहे घूंघट में एक आंख थे सो बड़ा आनंद आयो। फिर इशारा करो पार्वती जी को पीछे को देख कहा कह रही हो कह का रही है न्यो बता जहाँ के ने कहा बुरे पाप करी या महाराज देख ले को ना मिल लो इनके जाऊंगे जाऊ को कल्याण करा दे तो मानेंगे नहीं खुलवा नहीं खुलेगी चिंता मत करो पर दिखवा दे। पार्वती जी ने पीछे को मोकर के सारे इशारे में यो बता दिया घूंघट चलो नाक भी रखी रहे माथा भी और यो देख लो दोनों आंखों से। भोले बाबा दोनों आंखों से देखने लगे तो जे तो तुम्हें मालूम ही है भोले बाबा जैसो नाचे हुआ है तो तीन लोग चंदे भरने में ही नहीं कोई। और जब कन्हैया जी नाच कर रहे हैं सज्जनों अगर नाचने वाले बैठो हुए ना फिर ढोलक मजीरा बजे तो वो अपने आप यूं मटके को बैठो बैठो ये नेम है। अब भोले बाबा यूं मचके अब गले में पड़े हुए नाग देवतन ने विचार करो कि भोला ले वो नंबर आज वो हम रह गए जा साड़ी में छुपे हुए। सो नाग देवता यहां से न्यो चले आखिर के आगे है गए न्यो और देख महाराज के नाचे फुसकार मरीजो बगद में बैठी सकी बोलो अब दैया मैया मर गई फिर झिकायस ऐसे भुजंगी सवरी सखिया एकदम भर्रू का मचिगो ने नाग ने कर तो सग पांडाल ते दूरी दी गए फिर पोनी के जब पंडित है तो ले चलो फिर कछुना पर ये परी पड़ेगी भागने लगी सखियों ने सारी खेचली भोले बाबा की। अब नाग देवता बिखर गए और जो पुरुष है धक्का मार के निकालने लगी। कन्हैया जी महाराज मंच से कूद के और शंकर भगवान के पास आके कहने लगे बिहारी गोपियों से विद्रोही संग मिल चेन पड़े ना दिन कटे जाए
पुष्पांजलि लेलो पूरा हरियो नमहे कन्याकुमारी चली मही चन्नो कोली हरियो तत्पुरुषाय विद्महे महाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि चन्नो विष्णु प्रजो हरे पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अन्यनी सुताय विद्महे पवन पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् सेवन्ते कामकुल चम्पक जय हो सब संतन की जय हो भक्तन की जय हो